रेगुलर वॉचर आपको पता ही होगा, मैंने रिसेंटली जो दिवाली सेल चल रहा था उस टाइम पे मैंने पर्पल से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे थे एंड नाउ इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू क्विकली रिव्यू दोस प्रोडक्ट बिकॉज पर्पल पे अगेन चल रहा है एक और सेल एंड आई गेस एवरी प्रोडक्ट यू आर गेटिंग एट 50% ऑफ एंड इवन नॉट दिस सेल पर्पल पे हमेशा कोई ना कोई ऑफर चलते रहते हैं सो डेफिनेटली इफ यू वॉन्ट टू बाय एनी न्यू प्रोडक्ट और इफ यू वॉन्ट टू ट्राई एनीथिंग न्यू देन यू कैन डेफिनेटली रेफर दिस वीडियो एंड यू कैन बाय फ्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट जो मैंने बाय किए थे सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड लेट्स सी व्हिच प्रोडक्ट्स आई एम गोइंग टू रिव्यू लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ सो ये गुड वाइब्स का ब्राइटनिंग फेशियल आमंड ऑयल एंड इसका क्वांटिटी था 10 ml एंड इसकी प्राइस थी 127 सो डेफिनेटली पर्पल से आप कुछ भी बाय करते हो ना सो हमेशा उनके प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं बट डेफिनेटली यू विल गेट इट समवेयर अराउंड 127 सो ये एक ट्रांसपेरेंट जेल जैसा ये व्हाइट कलर ट्रांसपेरेंट में आपको ये ऑयल मिलेगा सो ये ऑयल के मैं बहुत अच्छे रिव्यूज पढ़े थे बट ये मेरी स्किन पे सूट नहीं हुआ इससे मुझे बहुत ज्यादा यू नो पिंपल्स वगैरह आ गए थे दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड दिस वन एंड दिस ऑयल इज मैजिकल बहुत ही ज्यादा अच्छा है यू कैन यूज इट एज अ नाइट सीरम यू कैन ऑल्सो यूज इट इन एनी फेस पैक यू कैन ऑल्सो यूज इट बिफोर मेकअप सो बहुत ही ज्यादा मल्टीपर्पज है ये ऑयल सो मेरा जो स्किन टाइप है वो है नॉर्मल टू ड्राई मोस्टली नॉर्मल के लाइक टूवर्ड्स है So this oil is very perfect even if you have a normal skin. Oh yes, this is the first product. Now the second thing which I have is this one. Now again, this is my most favorite product. तो ये है हमारा गुड वाइब्स का ऑरेंज रिफ्रेशिंग जेल सो दिस इज अ 50 ग्राम का जेल इसमें आपको थोड़ा सा ऑरेंज टिंट मिलेगा एंड दिस इज सेम लाइक एलोवेरा जेल ओके जैसे एलोवेरा जेल की कंसिस्टेंसी होती है वैसा ही है बस इसमें थोड़ा सा सिट्रस ऑरेंज का स्मेल है सो इफ यू आर समवन हु डजंट लाइक स्मेली प्रोडक्ट्स सो माइट बी विल नॉट लाइक इट मैं काफी टाइम से एलोवेरा जेल यूज करके ना थोड़ा सा बोर हो गई थी तो मुझे डेफिनेटली कुछ ऐसा अलग सा जेल चाहिए था दैट्स व्हाई मैंने इसको बाय किया था एंड डेफिनेटली दिस इज वर्किंग टॉप नॉच सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव इज दिस वन इसको भी मैं ऑलमोस्ट यूज कर चुकी हूँ एंड दिस इज अ गुड वाइब्स का पोमेग्रेनेट फेस वॉश गुड वाइब्स के फेस वॉश मतलब मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है इसका फॉर्मूला जो है दैट इज रियली नाइस एक तो आपको पहले से जेल बेस्ड यू नो जेल फॉर्मेट में मिलता है एंड आई रियली लव दिस काइंड ऑफ अ फेस वॉश ये ज्यादा यू नो लाइक चिपचिप नहीं होता इससे एंड दिस इज रियली मॉइस्चराइजिंग लाइक यू डोंट हैव टू रन फॉर मॉइस्चराइजर और एनीथिंग After washing your face, so that's the thing I really loved about it. Second thing is इसका ये जो pump है, I really love these kind of a product because this is really easy to use. You just need one or two, not even two, just one or half pump and then you're good to go. About the good vibes, I don't know ये किसका fault है purple का कि good vibes का but जो products मुझे receive हुए थे वो उनका जो expiry date है वो बहुत ही ज्यादा close का है so this is the one thing which I didn't like मतलब मुझे ऐसा लगा कि you know they are giving these products on offer but ऐसे expired वाले products like close to expire वाले products वो दे रहे हैं but ये मेरे साथ बस एक ही बार हुआ है that's why I'm not going to judge purple I'm not going to judge good vibes on this but this is just the feedback अगर आप कोई भी product buy कर रहे हो online so डोंट फर्गेट टू चेक इट्स एक्सपायरी डेट अगर प्रोडक्ट रिसेंटली एक्सपायर होने वाला है या फिर कुछ कुछ टाइम ऐसे भी होता है एक्सपायर्ड प्रोडक्ट रिसीव होते हैं सो डोंट फर्गेट टू चेक द डेट एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है बायोटीक का लिप बाम एंड दिस इज द बायो फ्रूट व्हाइटनिंग लिप बाम सबसे पहले लेट्स सी हाउ इट इज सो ये थोड़ा सा ऐसे पिंकिश टोन में है सेकेंड थिंग इज इट्स कंसिस्टेंसी इट्स सुपर सुपर ऑसम बहुत ही ज्यादा थिक है जो बाकी कैसे कुछ यू नो लिप बाम होते हैं जो बहुत ज्यादा रनिंग होते हैं जिसकी वजह से बहुत ईजिली वाइप आउट हो जाते हैं ये लिप बाम बिल्कुल भी वैसा नहीं है बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड द थर्ड थिंग इज लुक एट इट्स क्वांटिटी बहुत ही बड़ा ये टेंट मुझे मिला है और इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है अभी मैं इसको ऑलमोस्ट एक महीने से यूज कर रही हूँ कैन से लाइक बहुत टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली बट फिर भी ये बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है वैसा का वैसा ही है ये जो व्हाइटनिंग जो उन्होंने लिखा है दैट इज एक्चुअली एब्सोल्युटली ट्रू क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है मेरा जो आउटर लिप्स थे वो थोड़े से डार्क थे और इसको यूज करने के बाद डेफिनेटली वो थोड़े सा यू नो जो डार्क पार्ट है वो थोड़ा सा फेड होते जा रहा है कम्प्लीटली गया नहीं है बट डेफिनेटली इट इज वर्किंग आई गेस अगर आप लिपस्टिक यूज नहीं करोगे फॉर फ्यू डेज एंड यू ओनली यूज दिस लिप बाम डेफिनेटली योर लिप्स विल रिकवर सो यस आई रियली रियली लव्ड इट नाउ लेट्स सी व्हिच फ्री प्रोडक्ट्स आई हैव गॉट सबसे पहले है ये पाउडर दिस इज द एल्ब गुडनेस का ऑरेंज पील पाउडर नाउ जब आप फ्री प्रोडक्ट्स भी बाय करते हो ना तो वहां पे आपको ऑप्शन होता है ओके सो आपके पास ना ऑप्शन होता है कि आप फ्री प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हो नाउ द रीजन फॉर चूजिंग दिस इज मैं यू नो थोड़ा सा स्किन केयर में ज्यादा
बिलीव करती हूँ, थोड़ा स्किन केयर ज्यादा करती हूँ देन मेकअप। सो ये पील पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर स्पेसिफिकली, इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुना था, बट जो DIY पील पाउडर है उसको बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट जस्ट टू गिव इट अ ट्राई, एंड आई मस्ट से दिस इज 100% नेचुरल पाउडर आई से, बिकॉज जस्ट इन वन यूज आई वॉज एबल टू सी द डिफरेंस इन माई स्किन। इसके साथ मैंने ऑब्वियसली कुछ चीजें मिक्स की थी, डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट इंग्रीडियंट्स, यू कैन चेक अप द वीडियो हियर। सो डेफिनेटली ये जो पील पाउडर बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको उसके बाद भी मैंने कई टाइम्स यूज किया एंड देन आई हैव रीच्ड टू दिस कंक्लूजन। एंड ऑनेस्टली जो भी सारे प्रोडक्ट्स थे फ्रॉम दिस एल्फ गुडनेस, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आई गेस दिस ब्रांड इज वेरी अंडररेटेड, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई आउट सम मोर प्रोडक्ट्स एंड अगेन आई विल शेयर माय फीडबैक। सो नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट व्हिच आई हैव इज दिस वन, दिस इज द एल्फ गुडनेस का, अगेन इट्स अ सैंडलवुड फेस जेल। इसके बारे में मेरे बहुत ज्यादा मिक्स रिव्यूज है, आई डोंट नो, मुझे इतना ज्यादा ही अच्छा नहीं लगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद लाइक आई फेल्ट कि दिस इज काइंड ऑफ अ सनस्क्रीन। सो ये ऐसे ट्रांसपेरेंट जेल में आपको मिलेगा फिर से, बट दिस इज लाइक this will really make your face oily, so definitely I'll not suggest this for oily skin type. अगर आपका फेस ड्राई टू नॉर्मल है, इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली यूज दिस। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसका स्मेल, इट हैज रियली रियली स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ सैंडलवुड। अगेन द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसका पर्पज ही मुझे समझ नहीं आया, मतलब क्या करके यूज करना है हमें फेस जेल, एज इन वॉट, लाइक वी हैव टू यूज इट एज अ क्रीम और सीरम और नाइट जेल मॉइस्चराइजर, क्या ये इतना मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आई वॉज नॉट एबल टू यूज इट करेक्टली। नाउ द थर्ड एंड लास्ट फ्री प्रोडक्ट जो था, वो थे एक्चुअली तीन शैम्पू के सैशेज मुझे रिसीव हुए थे। मैंने ये जो वीडियो डाला था उसमें मैंने क्लियरली वो सैशेज दिखाए हैं। ये जो सैशे हैं, पैक है, इसमें मुझे तीन शैम्पूज रिसीव हुए थे। एक था जो था विद कोकोनट एंड हाइलुरोनिक एसिड, दैट वन वॉज फॉर दी ड्राई स्कैल्प। सेकेंड जो शैम्पू था दैट वॉज फॉर हेयर फॉल, एंड जो थर्ड शैम्पू था दैट वॉज फॉर डैंड्रफ। ओके, सो जो बाकी दो शैम्पूज थे दोज आई रियली लव, बट जो डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ वाला शैम्पू था वो मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, माइट बी बिकॉज ऑफ माई स्कैल्प टाइप। जो फोर्थ शैम्पू था विद कोकोनट ऑयल एंड हाइलुरोनिक एसिड विच इज फॉर ड्राई स्कैल्प, वो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, लाइक डेफिनेटली आई हैव ऑर्डर्ड द बिगर वर्जन नाउ। यही थे मेरे सारे प्रोडक्ट जो मैंने बाय किए थे, ये प्रोडक्ट्स मैंने खुद से बाय किए हैं एंड बहुत ही ऑनेस्ट फीडबैक मैंने शेयर किया है, जो भी मुझे अच्छा लगा है वो ही मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड यस, नाउ ऑन दैट बेसिस लेट्स एंड द वीडियो हियर। इफ यू एंजॉयड माय टुडेस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स एवरी टाइम व्हेन आई अपलोड द न्यू वीडियो। ऑल्सो वेरी सून वी आर गोइंग टू be very strong 1K family, so be part of it. I'll see you super soon in my next video. Please stay safe, take care, and bye bye.